बरेली में एक पत्नी ने अपने ही पति के 4,50,000 रुपए की चोरी की और थाने में जाकर खुद ही रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब मामले में पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि महिला ने ही पति के रुपयों की चोरी की थी। आज जो है मामला खुलने पर ना तो पति से नजरें मिला पा रही है और ना ही पुलिस से और ना ही मीडिया से। मामला बरेली के थाना बरादरी क्षेत्र का है, जहां बीती 13 जुलाई को महिला ने तहरीर दी थी कि उसके घर से 4,50,000 रुपए की चोरी हो गई है। ये रुपए महिला को उसके पति ने दिए थे। महिला के ऊपर लोगों का 4,50,000 रुपए का कर्ज था। महिला ने अपने पति से छुपकर कर्ज लिया था। ये कर्ज उस पर कई लोगों का था, किसी के 5,000 तो किसी के 10,000। इस तरह से कई लोगों से महिला ने रुपए ब्याज पर ले रखे थे और कहा था कि वे इनके घर पर पैसों के बारे में ना बताए। पति ने 13 जुलाई को महिला को 4,50,000 रुपए रखने के लिए दिए थे। पत्नी ने उन रुपयों को कर्ज चुकाने की नियत से छुपा कर रख दिया और थाने में तहरीर दी कि रुपए चोरी हो गए हैं, मगर पुलिस ने शक होने पर कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि रुपए खुद महिला ने ही चुराए हैं। अब सारे मामला का खुलासा होने पर महिला न तो पति से नजरें मिला पा रही है और न ही पुलिस से। एक महिला है, उन्होंने तहरीर दी थी कि कुछ दिनों पहले दो लोगों ने उनसे फिरौती के रूप में कुछ पैसे मांगे, जिसमें उन्होंने 4,00,000 रुपए उनको दिए। बाद में जब पुलिस ने इसमें तहकीकात की तो सीसीटीवी फुटेज देखी और भी चीजें की, तो ये पता लग के आया, उनसे बातचीत की, उनको विश्वास में लिया, तो ये पता लगा कि इन्होंने कम से कम 8-10 लोगों से विभिन्न जरियों से काफ़ी उधार ले लिया था और उस उधार से वो अपने दैनिक खर्चे और इस तरह की चीज़ें करती थी। बाद में ये पता लगा कि उनको जब उन पे पैसे चुकाने का दबाव आया तो उन्होंने ये सोचा कि घर में जब पैसे रखें उसी पैसे से मैं इनको उधार चुकता करूँ। बाद में उन्होंने वो 4,00,000 रुपए अपने घर में से ही गायब कर दिए और उसको अपने ही घर में छुपा दिया। जब इनके और चीज़ें जो निकल के सामने आई हैं उसके आधार पर महिला से बातचीत की गई, महिला ने ये स्वीकार किया कि हाँ, पिछले एक साल के दौरान काफ़ी लोगों से मेरा उधार हो गया था, मैंने काफ़ी उधार लिया था और उस उधार को चुकता न कर पाने के कारण ही मैंने ये सब जो साजिश थी ये रची कि भाई इससे पैसा मैं उधार कर लूँ। और ये पैसा उन्होंने बाद में फिर अपने पति को बताया कि ये पैसे मैंने जो गायब किए थे मैंने ही गायब किए थे, तो ये उन्होंने स्वीकार किया है। पैसे से ये अपने जो खर्चे हैं चलाती, जैसे कि मान लो कोई कपड़ा, अपने सूट खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए या अन्य कोई जरूरी चीज़ें वो खरीद ली और ये पति से छुपा के करती थी, इस वजह से इन्हें उधार लेना पड़ता था। शॉपिंग करने का शौक था इनको, नई नई चीज़ें? नहीं, शौक तो नहीं था इस तरह से, लेकिन विभिन्न जो दैनिक जो साजो सामान जो चीज़ें होती हैं, कपड़े खरीदना या अन्य कोई छोटी मोटी चीज़ें, ये बिना पति को बताए हुए करती थी, तो इस वजह से ये उनको उधार लेना पड़ता था। क्या विवाद कोई नहीं था, लेकिन ये पति से खर्चा नहीं लेती थी और इस तरह से अपना खर्चा चलाती थी। FIR लिखाने का ये मोटिव था कि जब इन्होंने पैसे ले लिए, उसके बाद जब पैसे घर से गायब हो गए, इन्होंने पति को बताया तो ये चीज़ सामने आई कि जो 4,00,000 रुपए ये कहाँ चले गए, तो वो 4,00,000 रुपए कहाँ गए ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये FIR लिखवानी पड़ी उनके द्वारा, ये बताया गया।